हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर की बेसिक सीरीज। तो चलिए देख लेते हैं हम सबसे पहले कंप्यूटर होता क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर बात करूं मैं तो, जैसे कि आप एंड्रॉयड स्टार्ट करते हो तो आपके सामने एक स्क्रीन आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, होम स्क्रीन। उसी प्रकार अगर हम डेस्कटॉप को स्टार्ट करें या लैपटॉप को, कोई भी कंप्यूटर को, तो हमारे सामने एक स्क्रीन आती है जिसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप देख सकते हैं आप कितनी चीजों से मिलकर बना, देख सकते हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहले आपको बैकग्राउंड वॉलपेपर दिखेगा, उसके बाद आपको आइकॉन्स दिखेंगे। आइकॉन्स के विभिन्न प्रकार होते हैं जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आप नीचे देख पा रहे हैं टास्क बार दिख रहा है। तो टास्क बार में देखिए कितनी चीजें देखने को मिल रही है। ये दिख रहा है आपको स्टार्ट बटन। अब स्टार्ट बटन होती क्या है? स्टार्ट बटन का मतलब होता है जैसे कि आप अपने मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। तो उन सॉफ्टवेयर की लिस्ट कहाँ मिलती है हमको? ये देखिए, स्टार्ट बटन में मिलती है। स्टार्ट बटन को हम विंडो बटन के द्वारा कीबोर्ड के जो सहायता, मतलब कीबोर्ड की सहायता से विंडो बटन का क्लिक करके इसे प्रदर्शित करा सकते हैं। यहाँ हमको बहुत सारी चीजें और देखने को मिलेगी। ये देखिए, आप अगर इस बटन पर क्लिक करोगे तो हम इसको कंप्यूटर को स्लीप मोड में डाल सकते हैं, शटडाउन कर सकते हैं और रिस्टार्ट कर सकते हैं। अब अलग अलग विंडो में अलग अलग प्रकार से ऑप्शन यहाँ दिखेंगे। हालांकि ऑप्शन सेम रहते हैं, देखने की जो पोजीशन रहती है वो अलग अलग हो सकती है। सेटिंग में जा सकते हैं हम। उसके अलावा आपको प्रोग्राम एरिया दिखेगा। प्रोग्राम एरिया का मतलब क्या होता है? ये प्रोग्राम हम पिन करके रख सकते हैं, या फिर जो प्रोग्राम हमारा वर्तमान में स्टार्ट है, मतलब जैसे कि ये देखिए, ये हमने गूगल क्रोम स्टार्ट करके रखे हैं तो ये दिख रहा है। अगर हम इसको मिनिमाइज कर दें तो मिनिमाइज होने के बाद भी वो वही दिखेगा। तो हम बोल सकते हैं कि प्रोग्राम एरिया ऐसा भाग है जहां पर प्रोग्राम या तो खुला है या तो मिनिमाइज है। दोनों ही स्थिति में कहां दिखेगा? प्रोग्राम एरिया में दिखेगा। उसके अलावा आपको ये साइड में दिख रहा है एक, और इसको बोलते हैं नोटिफिकेशन बार। जैसे कि आप मोबाइल में ऊपर की तरफ नोटिफिकेशन खींचकर नीचे ला देते हैं, उसी प्रकार आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखेगा। जो भी इंफॉर्मेशन आपको आती है, साउंड मतलब कोई डिवाइस अटैच हुई है उससे रिलेटेड, या फिर कोई वायरस है उससे रिलेटेड, ये देखिए सारी चीजें आपको दिख रही है। सेम एस मोबाइल टाइप ये दिख रहा है। यहाँ से आप देखिए, ये ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हैं यहाँ से कंप्यूटर का। उसके अलावा साउंड की सेटिंग, नेटवर्क की सेटिंग, बैटरी वगैरह सारी चीज आप यहाँ से देखिए ये इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो कंप्लीट हुआ हमारा डेस्कटॉप क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए हम कोई प्रोग्राम ओपन करना चाहते हैं, तो प्रोग्राम ओपन करने के लिए सबसे पहले आज तो हम देखेंगे पेंट ब्रश के बारे में। तो पेंट ब्रश एक प्रकार का नॉर्मल फोटो एडिटर है, यानी कि फोटो हम उसमें बना सकते हैं, डिजाइन यानी कि जो ग्राफिक्स है उसको बना सकते हैं, और कुछ फोटो को नॉर्मल एडिट भी कर सकते हैं। हालांकि फोटो एडवांस तरीके से एडिट करना तो आपको फोटोशॉप की जरूरत पड़ेगी, और फोटोशॉप आपको जो है सीरीज है पूरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं हम यहाँ देखिए पेन प्रेस कैसे स्टार्ट करते हैं। या तो आप विंडो बटन प्रेस करें कीबोर्ड से, या फिर आप जो माउस है उसको यहाँ पे ले जाके क्या करें, क्लिक करें। ये क्लिक करोगे आप और यहाँ पे आपको ढूंढना है, देखिए विंडोज एसेसरीज को ढूंढना है। ये विंडोज एसेसरीज आपको दिख रहा है, विंडोज एसेसरीज के अंतर्गत देखिए पेंट लिखा है। अब देखिए, एक स्थिति तो ये हो गई कि हमारा पेंट ब्रश स्टार्ट हो गया। अब मान लीजिए मैं इसको फिर से बंद कर देता हूँ। फिर से हमको करना है, ये विंडो बटन हमने प्रेस करे और यहाँ हमको लिखना है PAINT। अगर PAINT हमने लिखे तो हमारे सामने क्या आ गया, ये पेंट आ गया। इसको हमने क्लिक करे तो हमारे सामने फिर से पेंट ब्रश की विंडो। अब विंडो क्यों बोलते हैं इसे? विंडो का मतलब होता है, देखिए खिड़की हम बोल सकते हैं, तो ये इसका आकार जो रहता है विंडो के ही आकार का होता है। इसलिए जो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो के अंतर्गत सारी जो एप्लीकेशन खुलती है वो विंडो के फॉर्म में ही खुलती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विंडो। तो हम इसको क्या बोलेंगे, पेंट ब्रश की विंडो बोलेंगे। तो आपको देखिए ऊपर अनटाइटल्ड पेंट दिख रहा है, यहाँ पेंट का जो आइकॉन है वो दिख रहा है, और कुछ ऑप्शन दिख रहा है जो कि हमारे काम करने के लिए होते हैं। उसके अलावा आपको तीन बटन नजर आ रही है, ये होती है मिनिमाइज, ये होती है मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर दोनों काम करती है, और ये होती है क्लोज। ठीक है, इसका प्रयोग किस लिए करते हैं? जैसे हम क्लिक करें तो गायब हो गया डेस्कटॉप से, परंतु कहाँ है, प्रोग्राम एरिया में। क्लिक करें तो वापस आ गया। इसका प्रयोग हम करते हैं रिस्टोर करने के लिए और मैक्सिमाइज करने के लिए, मतलब विंडो को पुरानी अवस्था में ले जाने के लिए और विंडो को फिर से बड़ी अवस्था, मतलब पूरी जो स्क्रीन है उसमें प्रदर्शित करने के लिए। अब यहाँ देखिए, ये जो है ये क्लोज करने का काम करता है। क्लोज मतलब होता है विंडो को पूरा बंद कर देना, मतलब एप्लीकेशन से बाहर आ जाना। उसके अलावा आपको ये टैब नजर आ रही है, देखिए मेनू के फॉर्म में है, हम मेनू भी बोल सकते हैं और टैब भी बोल सकते हैं। ठीक, इनमें कुछ ऑप्शन रहते हैं जो हमारी जरूरत के लिए काम करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ देखिए यूज करेंगे क्या, ये जो आइकॉन दिख रहा है आपको, ये टूल्स का प्रयोग करके हम एक ड्राइंग बनाएंगे। तो जैसे मान लीजिए हमें पेंसिल का प्रयोग करते हैं, तो पेंसिल का प्रयोग करेंगे हम किसकी सहायता से करेंगे, लेफ्ट बटन, जो माउस की लेफ्ट बटन है उसका प्रयोग करके हमने ये ड्राइंग मतलब बनाना हमको। और यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, मान लीजिए ब्लैक कलर मैंने सेलेक्ट करा। अभी देखिए, ये देखिए माउस की लेफ्ट बटन दबाकर मैंने क्या करा, ये ड्राइंग मैंने बना लिया। अब देखिए ये बन गया। अब मैं इसमें एक आड़ी लाइन खींचना चाहता हूँ, तो ये शेप आपको दिया है, शेप में जाओगे और इसे लेफ्ट बटन दबाकर
ये देखिए इसको खींच लिए। अब इसमें चाहता हूँ मैं कलर फिल करना, तो कलर फिल करने के लिए मैं फिल कलर में जाऊंगा और यहाँ से मैंने कलर सेलेक्ट किया और ये देखिए कलर कर दिया। ठीक है, इन दो में मैं अलग करना कलर करना चाहता हूँ तो यहाँ देखिए, ठीक है ये हो गया। अब नीचे और कुछ कलर करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ये ग्रे को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए कुछ और ड्राइंग बनाना हमको या फिर मिटाना है या फिर ये जो बाहरी आउटलाइन वाला जो सब कलर है उसको हटाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, व्हाइट कलर सेलेक्ट करो और यहाँ से इसको हटा सकते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ मैं स्टार बनाना चाहता हूँ तो मैं स्टार बना सकता हूँ। अब स्टार क्यों नहीं आ रहा है, तो देखिए इसकी आउटलाइन का कलर जो हो गया है वो गायब हो गया है। ठीक है, तो आउटलाइन का कलर हम यहाँ देखिए सॉलिड कर देंगे। यहाँ से हम देखिए जो आउटलाइन है, आउटलाइन का कलर या फिर जो फिल है, फिल को हम फिर से ड्रॉ करते हैं। यहाँ देखिए व्हाइट की जगह हम क्या कर देते हैं, ये देखिए कलर सेलेक्ट करें हमने दूसरा, यहाँ कलर जो सेलेक्ट रहेगा उसी आकार का बनेगा। अगर धोखे से आपका व्हाइट कलर यहाँ सेलेक्ट है तो वो कलर नहीं देखेगा। ये हमने बना लिए, स्टार भी हम बना सकते हैं फिर से, ये देखिए। उसके बाद हम इसमें भी कलर कर सकते हैं, ये आप कलर कोई भी सेलेक्ट करें और यहाँ से फिल कर दें। अब बात क्या होती है, जैसे हमको मिटाना कोई चीज़ तो इरेजर होती है, इरेजर देखिए इरेजर से आप मिटा सकते हैं। अब देखिए बहुत छोटी इरेजर आ रही है, तो कीबोर्ड से कंट्रोल दबाएं, कीबोर्ड से कंट्रोल दबाएं और प्लस का निशान, मतलब जो प्लस है हमारा प्लस की बटन, उसको हम दबा कर रखेंगे। देखिए आपका जो रबर है वो बड़ी हो चुकी है, अब हम मिटा सकते हैं, जल्दी जल्दी मिटा सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमको ज़्यादा मिटाना है तो मिटाने के लिए आपको देखिए सेलेक्ट दिया है, ये दिया है सेलेक्ट, और सेलेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगल फॉर्म में मिटा सकते हैं, फ्री फॉर्म में मिटा सकते हैं और सेलेक्ट ऑल करके मिटा सकते हैं, या फिर जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम रेक्टेंगल फॉर्म में मिटाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इतने को मिटाना चाहता हूँ तो मैंने सेलेक्ट करा माउस से, और कीबोर्ड में डिलीट बटन होती है, क्या होती है कीबोर्ड में डिलीट बटन, ये डिलीट करे और ये हट गया। अब यहाँ देखिए और ऑप्शन है तो आप अपनी इच्छा अनुसार ऐसे, ये देखिए मैं मान लो इसको मिटाना चाहता हूँ तो इसको मैंने क्या करा, ये देखिए सेलेक्ट करा और डिलीट बटन प्रेस करा, ये मिट गया। उसके अलावा देखिए ये सेलेक्ट ऑल में कंप्लीट मिट जाएगा, तो वो हम अभी नहीं मिटाएंगे। ठीक, और इसके अलावा रोटेट कराना है, जैसे मान लो कोई शेप हमने बनाया है ये वाला, और इसको मैं रोटेट कराना चाहता हूँ तो रोटेट कैसे कराना, 90%, 90% विपरीत में 90, ये 180% और फ्लिप वर्टिकल और फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो एक दो करके देख लेते हैं, देखिए वर्टिकल में तो कोई हमको समझ में नहीं आया, हम हॉरिजॉन्टल करके देखते हैं, देखिए तीर का निशान इधर हो गया है। उसके अलावा हम रोटेट 90% करते हैं, तो देखिए 90% के जो कोण है, 90 डिग्री कोण उसमें करते हैं तो ये घूम जाता है, फिर वापस वैसे ही ला देते हैं, तो ये आप ये करके देख सकते हैं। उसके अलावा पेंसिल हो गई हमारी, कलर हो गया, रबर भी हो गए। पिक कलर का मतलब क्या होता है, पिक कलर का मतलब होता है यहाँ जो कलर दिया है उसमें हम कहाँ का कलर लाना चाहते हैं, ये वाला, तो हम पिक कलर को सेलेक्ट करेंगे बिना यहाँ जाए, तो हम ऐसे क्लिक करेंगे, देखिए कलर सेलेक्ट हो गया। अब हम फिल कलर को सेलेक्ट करके ऐसे कर सकते हैं, तो पिक कलर मतलब कलर को पिकअप करना होता है। उसके अलावा जूम का प्रयोग किस लिए होता है, देखिए हम ऐसे करें तो ये बड़ा हो जा रहा है, और अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो छोटा हो जाएगा, मतलब क्या हो रहा है, जूम को हम क्लिक करें तो देखिए कोई भी चीज़ को हम बड़ा दिखाने के लिए, और राइट क्लिक करें तो क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो मतलब दोनों ही चीज हो रही है वहाँ, लेफ्ट क्लिक से बड़ा हो रहा है, राइट क्लिक से छोटा हो रहा है। अब यहाँ हम जैसे क्या करना चाहते हैं, यहाँ कुछ ब्रश से काम करना चाहते हैं, तो ये हमने ब्रश को सेलेक्ट करी ये वाली, और यहाँ से हमने कलर को लिए, और ये देखिए ब्रश से हमने क्या कर दिए, ब्रश जैसे हम पुताई करते हैं उसी प्रकार की स्थिति यहाँ भी है। देखिए अलग अलग स्टाइल ले सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि आप यही ब्रश का प्रयोग करोगे, देखिए ये दूसरी दूसरी डिजाइन वाली प्रयोग कर सकते हैं। इनको मिटाना चाहते हैं तो फिर से क्या करो, आप वही फ्री फॉर्म वाला सेलेक्ट करो, ये फ्री फॉर्म वाला लिया और यहाँ से आपने मिटा दिए, ये डिलीट करें। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, ब्रश तो हो गई हमारी, सारे शेप आप बना के देख लेना, और जैसे हम अगर यहाँ देखो ये वाली बाउंड्री बनाते हैं तो यहाँ से हम देखिए आउटलाइन का कलर यहाँ से निर्धारित कर सकते हैं, मतलब या तो आपको जैसे मतलब जो कलर है कलर की ओपेसिटी कैसे लेना है, उसके अलावा आप ऐसे ये चेंज कर सकते हैं, नो आउटलाइन में क्या हो जाएगा, आउटलाइन नहीं आएगी, इस प्रकार आप डिफाइन कर सकते हैं। जो विड्थ है उसकी यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, बॉर्डर आ रही है बॉर्डर की विड्थ। उसके बाद हमने क्या देखे, ये कलर, तो कलर आपको दोनों ही चीज में काम आएंगे, या तो आप लिखने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, जैसे ये टेक्स्ट टूल बचा हमारा, टेक्स्ट टूल का प्रयोग किस लिए होता है, आप कहीं भी ऐसे लेफ्ट बटन से ड्रॉ कर दो और उतनी जगह में आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, देखिए ये मैं लिखता हूँ पेंट ब्रश, अभी पेंट ब्रश कैसा आ रहा है, देखिए छोटा आ रहा है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे माउस की सहायता से और इसको क्या कर देंगे, ये देखिए बड़ा कर दिए, कलर हम यहाँ बदल सकते हैं, ये देखिए फॉन्ट के प्रकार बदलना तो आप बदल सकते हैं, ये देखिए
उसके अलावा बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, जैसी भी आपकी इच्छा वो कर सकते हैं। और ये सारी चीज हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, होम बटन में जाओ, दूसरी चीज जैसे सेलेक्ट करोगे वो गायब हो जाएगा, हमारा पुराना ऑप्शन वापस आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, देखिए ये कट कॉपी पेस्ट तो बाद की प्रोसेस है, वो हम बाद में देखेंगे, अभी जरूरत नहीं है। तो हमने देखिए नॉर्मली क्या देखे हैं, सारे टूल्स का प्रयोग देखे हैं, ब्रश का प्रयोग, शेप का प्रयोग, उसके बाद कलर देखे हैं, साइज देखे हैं बॉर्डर का, और आउटलाइन, फिल का मतलब होता है, देखिए फिल का मतलब देख लेते हैं। तो फिल में जो होता है आपको सॉलिड लेना है, कैसा लेना है, जैसे मान लो मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, कलर, ये मैंने कलर करा, और इसको मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, चलिए इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, फिर से सेलेक्ट कर लेते, कोई भी ऑप्शन से ऐसे हमने, एक मिनट, ये मैंने लिया ये, और यहाँ मैं फिल को चाहता हूँ यहाँ क्या हो, नो फिल हो, तो यहाँ मैं कोई कलर भी करूँगा तो यह फिल होगा क्या, नहीं होगा। चलिए ये जो है इसके अंदर अगर हम फिल करना चाहते हैं सॉलिड कलर, तो सॉलिड कलर नहीं चाहिए हमको, तो क्या कर देंगे हम, नो नो फिल कर देंगे। तो इस प्रकार से ऑप्शन काम करता है। और रोटेट आप समझ गए, रिसाइज में छोटा बड़ा हो जाएगा, क्रॉप में काटना हो जाएगा। तो ये सारी चीज हो गई पेंट में। अब ये जो कंप्लीट है आप करके देख लीजिए एक बार, उसके बाद हम नेक्स्ट जो देखेंगे नोटपेड को देखेंगे, नोटपेड को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।